नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार्ट इन्वेस्टमेंट में। आज की डेट है 29 जून 20 और बहुत ही अच्छा दिन है आज, क्योंकि मार्केट में करेक्शन हुआ। और जिस दिन भी मार्केट में करेक्शन होता है, मैं उस दिन को एक अच्छा दिन कहता हूँ, क्योंकि उस दिन बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं एक पैनी स्टॉक के बारे में, जो कि 1 रुपए का था 1 महीने पहले ही, और उसने बहुत अच्छे रिटर्न यहाँ पे दे दिए हैं। 1 महीने पहले की बात करूँ, आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ अगली स्क्रीन पे। 1 महीने पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था इस कंपनी के ऊपर, जिस दिन इसका मार्केट प्राइस 1 रुपये और 26 पैसे चल रहा था। काफ़ी अच्छा ये जो वीडियो था, काफ़ी अच्छा इसने काम किया, आगे बढ़ा। वीडियो का नाम आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, 2 रुपए से भी कम का शेयर और सारे रेशियो चौंकाने वाले, बेस्ट पैनी शेयर 2020 पार्ट वन मल्टीबैगर स्टॉक। तो ऐसा वीडियो का थंबनेल आप लोगों को दिखेगा डिस्क्रिप्शन में, मैं इसका लिंक सबसे पहले डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको तुरंत ये मिल जाएगा। और ये ऐसा शेयर है जो कि आग उगल रहा है। अब इसकी मैं बात करूं, मैं थोड़ा सा वीडियो दिखा के आप लोगों को ये चलाना चाहूंगा, वीडियो को आप लोग थोड़ा सा मेरे देखिएगा। दोस्तों, ये कंपनियां ऐसी रहती हैं दोस्तों, देख लीजिए इसका करंट प्राइस देख लीजिए कितना है, 1.26 का है, तो कितने रुपए का है, मात्र 1 रुपए 26 पैसे का। आप यहाँ तो 19 मई 2020 को मैंने ये वीडियो बना रखा है, उस दिन इस कंपनी का जो मार्केट प्राइस था 1 रुपए और 26 पैसे का मात्र था। कंपनी का नाम भी वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कंपनी का नाम मैंने कहाँ पे डिस्क्लोज किया था आप लोगों के लिए। और थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ ये चीज़ें। तो हाई प्रमोटर होल्डिंग, कैश रिच कंपनी और चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल है दोस्तों। ये पैनी स्टॉक है, जिसको कि मैं बेस्ट पैनी स्टॉक कहूंगा अभी यहां से। कंपनी का नाम आप लोगों ने देख लिया है, सूरत टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। 19 मई 2020 का इसका जो प्राइस था 1 रुपए 26 पैसे, और आज की डेट में दोस्तों इसका अगर आप प्राइस देखेंगे तो आज की डेट में ये पहुंच चुका है 3 रुपए और 46 पैसे पे। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे, मात्र 40 दिनों के अंदर इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 3 टाइम्स के रिटर्न, 3 गुना के रिटर्न दे दिए हैं अपने शेयर होल्डर को। और आग उगलने पर ये शेयर जो है आग उगल रहा है कंटिन्यूअसली, अपर सर्किट्स पे पिछले 5 दिनों से लग रहे हैं, काफी अच्छा ये काम कर रहा है। और मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो लोग ये कहते हैं कि पैनी स्टॉक में पैसा नहीं बनता है, जो भी इस तरह से कहते हैं, पैनी स्टॉक में भी पैसा बनता है। अगर आप सही टाइम पे और सही स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो काफी अच्छा रिटर्न आप लोग वहां पे कमा सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अभी ये बेस्ट स्टॉक मैं मानता हूँ पैनी स्टॉक में, अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं इंडिया में आज की डेट में। तो निफ्टी वैसे आज की डेट में काफ़ी करेक्शन, निफ्टी में वह जोरदार गिरा था, और लेकिन ये जो शेयर है इसको, इस पर अपर सर्किट लगा है। देख लीजिए पिछले 5 दिनों का मैं आप लोगों को प्राइस चार्ट दिखाना चाहूंगा इसका, कंटिन्यूअसली अपर सर्किट लग रहे हैं 5% के पिछले 5 दिनों से। लेकिन जब मैंने बताया था आप लोगों को, लगभग मैंने बताया था यहाँ कहीं आसपास, रुक जाइए, 19 मई के आसपास बताया गया था। तो 19 मई, ये 18 19 मई, यहाँ पे मैंने बताया था जब 1 रुपए 26 पैसे पे चल रहा था, तब कोई अपर सर्किट नहीं लगा था। अगर किसी इन्वेस्टर ने यहाँ पे इसको बाय कर लिया था तो उसके जो पैसे थे आज की डेट में 3 गुना हो चुके होते। तो ये ऐसा शेयर है जिसको कि खरीदना बनता है, लेकिन इसका कहाँ तक ये जाएगा, क्या इसका लेवल रहेगा बाइंग करने के लिए, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, ये एक टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, बहुत ही छोटा ये स्टॉक है। छोटे स्टॉक रिस्की स्टॉक होते हैं, और आप लोगों को सोच समझ कर ही यहाँ पे इन्वेस्ट करना होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे करेक्शन होने के चांसेस भी रहते हैं। ये जो करंट मार्केट प्राइस है यहाँ पे, अभी ये अपडेट नहीं हुआ है, 3 रुपए 45 पैसे और 46 पैसे के आसपास इस पर अपर सर्किट लग के क्लोज हो गया था। मॉर्निंग में ही अपर सर्किट लग गया था। मात्र 73 करोड़ रुपए की ये कंपनी है, डेट फ्री कंपनी, एक छोटी सी कंपनी, डेट फ्री पैनी स्टॉक मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, कई लोग आप लोगों को कहते हैं कि सब कुछ बेचकर आप पैनी स्टॉक में लगा दो, कभी भी ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करनी है। पैनी स्टॉक छोटा स्टॉक है, और उसमें छोटा अमाउंट ही इन्वेस्ट किया जाता है। हमेशा मैं आप लोगों को ये वार्निंग देता रहता हूँ, पैनी स्टॉक में कभी भी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं, भले ही कितना अट्रैक्टिव वो हो। तो बिलो 5 रुपीज कैटेगरी में अगर कोई चीप शेयर मैं मानता हूँ तो ये शेयर है, अपर सर्किट में अभी चल रहा है, और साथ ही साथ इसके जो
फाइनेंशियल रेशियोज हैं उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 9.5% का, रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 10% के करीब, डिविडेंड नहीं देता, छोटी कंपनी है, 73 करोड़ रुपीज की कंपनी है, डिविडेंड क्या देगी। लेकिन सेल्स ग्रोथ आप देखिए पिछले 3 सालों की लगभग 18% के करीब है सेल्स ग्रोथ, बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो लगभग 26% के करीब है, और 5 रुपए से नीचे का कोई शेयर अगर आप लोगों की नजर में हो जिसका की जो रेशियोज 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ और 3 साल की सेल्स ग्रोथ इतनी अच्छी हो, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। 5 सालों का आरओसी का एवरेज 10% है और 5 सालों का आरओई का एवरेज है 9% के करीब। तो टेक्सटाइल सेक्टर में काम करती है, पॉलिस्टर की चिप बनाती है और पार्शियली ओरिएंटेड यार्न्स बनाती है पीओवाई। जनरली मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जैसे कपड़े हम लोग आजकल पहनते हैं मेनली पॉलिस्टर से बने होते हैं, और एक कॉटन होता है जो कि मतलब एग्रीकल्चरल कमोडिटी है जिसको उगाया जाता है कॉटन को। लेकिन जो ये यार्न बनाने वाली कंपनियां ये सिंथेटिक यार्न बना रही हैं, आर्टिफिशियल यार्न बना रही हैं, तो कपड़े मैक्सिमम आजकल इसी तरह के बनते हैं। जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्लोथिंग रहती है मेनली इन्हीं कपड़ों की वो बनती है। अब मैं इसके फिर से प्राइस चार्ट पे आप लोगों को ले जाना चाहूंगा, 5 सालों का प्राइस चार्ट आप लोगों के सामने मैं खोलना चाहता हूं कि 5 साल में इसका कैसा परफॉर्मेंस रहा। इसने 5 साल में अपना हाई बनाया लगभग 8.5 रुपए के आसपास 2017 में, उसके बाद इसमें डाउनफॉल शुरू हुआ था और नीचे ये गिरा, और नीचे भी आया तो इतना नीचे आया मैं बता देता हूँ आपको, ये लगभग 1 रुपए पे आ रखा है। देख लीजिए दोस्तों, 24 मार्च के दिन 1 रुपए का ये शेयर आज 3.5 रुपए का हो गया है, लगभग 350% के रिटर्न और 3 टाइम से ज़्यादा के रिटर्न अपने शेयर होल्डर को दे चुका है, काफ़ी अच्छे खासे मल्टीपल टाइप के रिटर्न अभी तक ये दे चुका है। लेकिन अब इसको कहाँ पे बाय करना है, पैनी स्टॉक है, देखिए यहाँ पे अभी अपर सर्किट लग रहे हैं, कल से ही हो सकता है कि आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ शेयर की तारीफ कर रहा हूँ, और हो सकता है कि कल ही इसमें लोअर सर्किट लगना चालू हो जाए। अब मैंने आप लोगों के सामने इसका मैक्सिमम प्राइस चार्ट लगा के देखा है, 2008 में इसका जो हाइएस्ट रेट था या हाईएस्ट प्राइस था वो था 13.72 रुपए का, तो अभी ये चल रहा है 3.46 रुपए के आसपास। तो मैं अगर कहूँ, अगर मुझे इन्वेस्ट इस शेयर में करना हो तो 3.46 रुपए पे मैं बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन उतना ही अमाउंट जितना कि मैं रिस्क ले सकता हूँ कि मुझे वापस ना भी मिले तो कोई बात नहीं है। मैं बहुत बड़ा कोई एनालिस्ट नहीं हूँ कि मैंने बता दिया ये शेयर अच्छा काम करने लग गया तो आप लोग अंधा हो कि इसमें इन्वेस्ट कर दें, नहीं ऐसा नहीं करना है। अपना इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल रिस्क प्रोफाइल चेक करके ही इन्वेस्ट करना है। ऑल्दो इस कंपनी ने 40 दिनों में ही 300% से ज्यादा किया और 3 गुना से ज्यादा के रिटर्न दे दिए अपने शेयर होल्डर को, उसके बावजूद भी आपको सारी चीजें चेक करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो करना क्या है, छोटा सा अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, करेक्शन अगर होता है आने वाले 4-5 दिनों में, जैसे कि निफ्टी का व्यू अभी बना हुआ है कि निफ्टी में करेक्शन होना तय है लगभग लगभग, तो वैसे तो प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता, लेकिन जहां तक मेरी स्टडी कहती है अभी करेक्शन और होगा, यहाँ पे आज भी करेक्शन हुआ है और होगा, तो जब करेक्शन होगा तब आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। और कहाँ पे इसको सेल कर देना चाहिए, लगभग 7 रुपए के आसपास जब ये स्टॉक पहुंचे या 6 या 7 रुपए के आसपास, तो इसको बाय करके आप प्रॉफिट बुक कीजिएगा, और 7 रुपए का ये जो टारगेट है लगभग आने वाले 8 से 10 महीने में ये अचीव कर सकता है। तो अगर इस लेवल से ये 7 रुपए भी पहुंचेगा डबल हो जाएगा, 8 महीने में अगर कोई शेयर आपके पैसों को डबल कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो सूरत टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड कंपनी का नाम है, काफी अच्छे फाइनेंशियल इसके रेशियोज हैं, अगर स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखा जाए तो मात्र 4.67 का है। अब यही चीजें हमें चेक नहीं करनी होती हैं, छोटा स्टॉक है तो हमें सारी चीजें चेक करनी है भैया, क्वार्टरली रिजल्ट हमें चेक करने हैं, सेल्स हमें चेक करनी है कि भैया हाँ हर क्वार्टर में इसकी सेल्स अच्छी रही हैं कि नहीं रही हैं। अब यहाँ देखेंगे जैसे मार्च 2017 का क्वार्टर था तो 32 करोड़ रुपए की सेल्स हुई थी, अगर दिसंबर 2019 का देखा जाए तो 47 करोड़ रुपए की सेल्स हुई थी। अगर यहाँ पे ईयर ऑन ईयर आप लोग चेक करते हैं, थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ अच्छा दिखेगा, तो मार्च 2008 में 89 करोड़ रुपीज की सेल्स हुई थी और मार्च 2019 में 216 करोड़ रुपए की सेल्स हुई है, ईयर ऑन ईयर का ये चार्ट है। 2013 में इसका 217 करोड़ रुपए पे पहुंचा था, उसके बाद थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ और अगेन इसने पिकअप 132.16 के बाद फिर इसने अगेन पिकअप करना शुरू किया 15-16 के बाद, और इसकी फिर सेल्स जो है इंक्रीज होना शुरू हो गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो 3 करोड़ रुपए के ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे 2008 में, और 2019 में 8 करोड़ रुपए के इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट बन के आए थे। छोटा स्टॉक है, पैनी स्टॉक है, यहाँ हमें क्या चेक करना चाहिए, और इसकी जो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है, अब देख लीजिए
एफपीआई ने यहाँ पे बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर रखा है। मार्च 2020 की मैं आप लोगों को प्रमोटर होल्डिंग दिखा रहा हूँ, तो प्रमोटर हाई प्रमोटर शेयर होल्डिंग है यहाँ पे 75% की, देख लीजिए 75% के करीब शेयर होल्डिंग है प्रमोटर के पास। डीआईआई ने इन्वेस्ट कर रखा था दिसंबर 2019 तक, उन्होंने निकाल दिया है अपने पैसे को, पता नहीं क्यों निकाला है। पहले काफ़ी हाई शेयर होल्डिंग थी यहाँ पे डीआईआई की, डीआईबीएच की चली गई, लेकिन अभी शेयर में पैसा आना शुरू हो गया है। अगर पब्लिक की हिस्सेदारी की बात की जाए तो लगभग 25% के करीब पब्लिक के पास इसकी शेयर होल्डिंग है। तो ये स्टॉक था, मैंने 19 मई को इसके ऊपर वीडियो बनाया था, काफ़ी अच्छा स्टॉक है, अभी भी बाइंग लेवल में है। लेकिन हाँ, पैनी स्टॉक में कब लोअर सर्किट लगना चालू हो जाए कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। 3-4 रुपए के स्टॉक हैं, लेकिन 7 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है नियर फ्यूचर में। तो ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा, एनालिसिस कैसे लेकर, साथ ही साथ कि स्टॉक कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।